स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। श्याना के गांव खादमोहन नगर निवासी किसान ने गांव के ही एक व्यक्ति पर उसकी 5 बीघा जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि मामला श्याना तहसील क्षेत्र के गांव खादमोहन नगर का है, जहां गांव निवासी पीड़ित किसान नरेश पाल आज गुरुवार को श्याना एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उसने एसडीएम मधुमिता सिंह को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति मुकेश पुत्र भंवर सिंह ने पिछले 11 वर्षों से उसकी जमीन पर कब्जा किए हुए है। पीड़ित किसान कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत दे चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज वही श्याना की एसडीएम मधुमिता सिंह ने पीड़ित किसान को जल्द ही कब्जा मुक्त कराकर उसकी जमीन दिलाने का आश्वासन दिया। बुलंदशहर से जिला संवाददाता वसीम खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नरेश पाल जी। अच्छा, ये बताइए, आपने एसडीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला किस बात को लेकर दिया है और आपको क्या आश्वासन मिला? मेरी जमीन जो है दूसरे ने कब्जा ली है। मेरी जो जमीन है मुझे नक्शा के आधार पर नहीं दी गई है और मुझे दूसरी जगह दे दी गई थी, और वो दूसरे आदमी ने दूसरे विपक्षी आदमी ने जो है ले ली गई है। और जी, तो कौन से गांव का मामला? मेरे खाद गांव का, खाद मोहन नगर। अच्छा, तो अब आपने एप्लीकेशन दी है, तो क्या आश्वासन मिला आपको? मैंने एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने मतलब मैडम ने कही है कि जी मैं 1 या 2 दिन में या 3 दिन में तुम्हारा निस्तारण कर दूँगा। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध हैं। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।